जी आई एम वेरी हैप्पी. मैंने हैदर रिलीज़ होने से पहले भी ये कहा था कि ये मेरे लिए बहुत स्पेशल फिल्म है और इसमें जो जिस वजह से हैदर की गई थी वो एक्चुअली फिल्म ख़त्म होने के साथ ही अचीव हो गया था. बिकॉज ऐसी फिल्म करना, ऐसा रोल करने का मौका मिलना, विशाल सर के साथ काम करना, टबू मैम, इरफान सर, के सर के साथ काम करना और एक ऐसी तरह की फिल्म करने की कोशिश करना जिसमें एज एन एक्टर आपको एक एक्सपीरियंस ऐसा मिलता है जो जिससे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, अपने आप को चैलेंज करने का मौका मिलता है. तो एट सम लेवल बहुत खुशी उस बात की थी. अब बहुत ज़्यादा खुशी है कि ऑडियंस ने भी उसको एक्सेप्ट किया है एंड आई वांट टू थैंक देम अ लॉट बिकॉज इफ़ दे सपोर्ट फिल्म्स लाइक दिस इट गिव्स अस मोर स्ट्रेंथ टू डू मोर वर्क लाइक दिस. बिकॉज मैं जानता हूँ कि ये कन्वेंशनल फिल्में नहीं हैं और इस तरह की फिल्मों को अक्सर लोग बहुत स्केप्टिकल नज़रों से देखते हैं कि यार ये अप्रिसिएशन तो मिल जाएगा बट ऑडियंस पसंद करेगी या नहीं. आई हैव नेवर इन 11 इयर्स ऑफ वर्क रिसीव दिस काइंड ऑफ अप्रिसिएशन फ्रॉम द ऑडियंस. जो हैदर के लिए मुझे लोगों का प्यार मिला है एंड सो आई एम वेरी 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 हैप्पी. नहीं मैम, मैं अभी यहाँ पे डांस करूँगा फिर उसके बाद कल मैं फ्लाइट पकड़ के शानदार की शूटिंग करने चला जाऊंगा. सो नो ब्रेक, इट्स ओनली वर्क. मीनवाइल ऑन बीइंग आस्क्ड अबाउट द कैंपेन बीइंग लॉन्च्ड ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर टू बॉयकॉट हैदर, दिस इज व्हाट शाहिद हैड टू से. जी हर आदमी का अपना नजरिया है और हैदर ट्रू सिनेमा नाम का भी एक हैशटैग पॉपुलर हुआ था, वो एक्चुअली चार दिन तक था ट्विटर पर. बट आई थिंक एवरीबडी हैज़ अ राइट, हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, एवरीबडी हैज़ अ राइट टू गिव देयर ओपिनियन. आई रिस्पेक्ट एवरीबडीज़ ओपिनियन बट आई थिंक हैदर जो है वो एक बहुत ही ह्यूमन कहानी है और अगर उसको एक ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, पोलिटिसाइज ना किया जाए, तो मे बी पीपल विल अंडरस्टैंड इट. और जैसे मैंने पहले भी कहा, जिस तरह का रिस्पॉन्स हैदर के लिए मुझे ऑडियंस से मिला है, आई हैव रियली नॉट गॉट अ रिस्पॉन्स लाइक दैट इन अ वेरी लॉन्ग टाइम. तो मेरे लिए इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट एंड आई एम वेरी